बैल जैसा खटाया गया, जो हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाना चाहिए था वो चीज़ नहीं सिखा के हम लोग को घास छिलवाया गया, नली साफ करवाया गया। दिवाली हम लोग नहीं मनाए हैं, बस बैठे हैं, क्या मनाएंगे जब कुछ है ही नहीं, जब रोजगार है ही नहीं तो क्या मनाएंगे। हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो है हम लोग को संविधा पे रखा जाए, और नहीं तो आगे चल के ये आंदोलन उग्र होने वाला हो जाएगी, फिर इसके जिम्मेवार CMD खुद होंगे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं GN भारत, मैं हूँ सोनू कुमार पांडे। अभी हम मौजूद हैं धरनाओं का स्थल राजभवन। धरनाओं का स्थल हम इस वजह से बोल रहे हैं कि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक मिनट भी कभी खाली यह जगह नहीं मिल सकता है, हमेशा कोई ना कोई धरना यहाँ पर लगा ही रहता है। सो ऐसे ही आज भी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, देखते हैं क्या चीज़ का यहाँ पर धरना दिया है। वैसे CCL का यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो अप्रेंटिस करके CCL में अप्रेंटिस किए, ITI किए थे और CCL में अप्रेंटिस किए, और फिर इनका कहना है कि हमें जॉब भी यहीं पे दिया जाए। तो इनसे हम लोग अभी जानेंगे और क्या मामला है ये जानते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि आप अप्रेंटिस किए थे फिर CCL में आए जी, तो आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का कहना है कि ये जो स्कीम जो निकाले थे नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार से, कि स्किल करने के बाद, अप्रेंटिसशिप करने के बाद, आप लोग को पूरा प्रशिक्षण लेने के बाद आप लोग को नौकरी दिया जाएगा। हम लोग आश्वासन में रह गए हैं, अप्रेंटिस हम लोग 1961 के तहत हम लोग नियम कानून से कर लिए हैं, कंप्लीट हम लोग हैं, और हम लोग यहाँ पर 3 साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जिस तरह से मुझे केंद्र सरकार से आश्वासन मिला था उस तरह से किया जाए, रह गया बात कि हम लोग इतने सारे, हम लोग अभी कल था दिवाली, हम लोग दिवाली भी नहीं मनाए हैं। जब रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं, तो फिर हम घर क्यों जाएँ? हम लोग 16 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और यह आंदोलन मेरा 3 साल से चल रहा है, अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। मेरा यही कहना है, हम लोग को मांग है बस सिर्फ एक ठो, कि हम लोग का अप्रेंटिसशिप कराएं 1 साल, और 1 साल के बाद सर्टिफिकेट दिए हैं, और 1 साल तो प्रोसेस करने में हमको सर्टिफिकेट मिलने में लग गया है, मतलब 3 साल मेरा इसमें समय वेस्ट हो गया है। तो 3 साल समय वेस्ट हो गया तो हम लोग का फिर तो एज निकल गया। अब एज निकल गया तो हम दूसरे के पास कहाँ जाएँ रोज़गार मांगने? ऐसा नियम नहीं है, हम जहाँ अपना समय को लगाए हैं, जहाँ बर्बाद किए हैं, हम वहीं से लेंगे नौकरी। हम लोग का ये कहना है कि अब यहाँ से हम लोग नौकरी लेके जाएंगे, और जब तक ये CMD साहब हमारे को मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। और क्या चीज़ से आप, आपका ट्रेड क्या था? मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, हम लोग कुशल कामगार हैं। और ये जो CMD साहब का नियम है कि बाहर बाहर से आउटसोर्सिंग वाला कंपनी को लाते हैं और काम करवाते हैं, और हम लोग कुशल कामगार, पढ़े लिखे युवा हम लोग हैं, जिस हम लोग ये जो ये CCL कंपनी है वो लोग से काम करवाते हैं, मतलब कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ों टेंडर देके अपना काम निकालते हैं, और हम लोग को 70,000 का पेमेंट हमको मिलना चाहिए, वो हमको 7,000 में करवाएं काम 1 साल तक। आप लोग झारखंड के हैं जी? हम लोग झारखंड के स्थानीय निवासी हैं जी। तो क्या आपका CMD का क्या नाम था? CMD PM प्रसाद। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ऐसा मेरा कानून में नहीं है, आप लोग को रोजगार हम नहीं दे सकते हैं। स्टार्टिंग में फिर क्यों बोले थे? स्टार्टिंग में तो केंद्र सरकार बोले थे, और ये जब यहाँ पर पहले आंदोलन हुआ था तो CMD सर भी हमको आश्वासन दिए थे कि करेंगे। आप उनका आश्वासन याद करवाएं उनको? जी करवाएं, तो अभी पीछे हट रहे हैं, मुकर रहे हैं। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ से अभी कुछ नहीं होता है? नहीं, अब होगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा? देखिए, एक तो यही CMD नहीं है, CCL सिर्फ CMD नहीं, और सारे CMD है। कोल इंडिया का 8 सब्सिडरी है, 8 सब्सिडरी में निकल चुका है निर्णय कि सभी को ट्रेनिंग करने के बाद आउटसोर्सिंग में रखा जाए, अभी वर्तमान के लिए, जब तक ये क्या कहते हैं उसको, नियम जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक इन लोगों को रखा जाए वर्तमान में, जब तक NIT के तहत इन लोगों को रखा जाए। लेकिन ये CMD का कहना है कि ऐसा कोई ये नहीं है, हम नहीं करेंगे। जब अगला CMD कर रहे हैं तो इनको करने में क्या दिक्कत है? वार्ता करने भी नहीं आई, और वार्ता करने अभी तक नहीं आई। और आप बताइए कि 3 साल में नहीं हुआ तो अभी आप लोग बैठे हैं, अभी क्या होगा, आपको क्या लगता है? होगा, एकदम निश्चिंत होगा। 3 साल में इसलिए नहीं हुआ, ये लोग जो है ना टाइम दे रहे हैं जो भाई होगा। उस तरह के जो है हम लोग जो है बरगला के जो है सब लड़के लोग को बेवकूफ़ बना के छोड़ दिए हैं, ठीक ना? केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी देखिए BCCL में जो है, BCCL में सबको लेटर मिल ही गया है, ठीक ना? और SSC में भी मिल गया है, SSC में मिल गया है। कुल ये CMD जो अपने आप को जो है सोच रहे हैं इन लोग को बेवकूफ़ बना दें, और जो है इसी तरह जो है धरना ख़त्म करा दें। आप लोग किसी से मिलने का कोशिश किए हैं कि नहीं? सभी लोग से मिली है। किन से मिले आपने? जितने भी जो है रांची में जो है, बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए, बहुत अभिनेता हो गए, सबसे मिले, दीपक प्रकाश हो गए,
जैसे हो गए, सबसे मिले, सबको जो है दिए हैं, एक आवेदन भी दिया गया है, जो हम लोग को मांग है वो सब दिया गया है भाई, हम लोग जो है आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री से आप मिले कि नहीं? मुख्यमंत्री सर के पास मिले हैं, लेकिन अभी तो हम लोग को जो परमिशन नहीं मिला वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन मिल ही जाएगा। और वहाँ से लेटर भी जो है दिया गया है, 15-16 दिन पहले जो है यहाँ से लेटर हम लोग को जो है लेकर गए हैं CMD के ऑफिस में, लेकिन अभी तक कुछ हम लोग जो है आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं दिया है, अभी आए ही नहीं तो देंगे क्या। कल दिवाली था, आप लोग दिवाली यही मनाए या फिर नहीं मनाए? दिवाली हम लोग नहीं मनाए, बस बैठे हैं, क्या मनाएंगे जब कुछ है ही नहीं, जब रोजगार है ही नहीं तो क्या मनाएंगे। बस एक दो कैंडल ऐसे आए थे भाई लोग जला के, इसके बाद फिर हम लोग अफसोस कर रहे हैं भाई जी, हम लोग को रोजगार मिल जाएगा तो कुछ अगले साल से हम लोग और अच्छा दिवाली मनाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप बताइए, आप किस ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। आप कब आपका यहाँ पे अप्रेंटिस किया? मेरा ये तीसरा बैच था, तीसरा बैच इस बार ही कंप्लीट हुआ हमारा। ये थे अप्रेंटिस? हाँ जी, ये बड़का सियाल एरिया से किया था। तो वहाँ पे आपको क्या बोला गया? वहाँ पे हमको बोला गया कि हम लोग का जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का जो अप्रेंटिस होता है, अप्रेंटिस करने के बाद हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता है बस, और कुछ ट्रेनिंग करके हटा दिया जाता है। तो आप किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि हमको उसमें जो जॉब? सब सब्सिडी से, जितना भी सातों सब्सिडी है, सारे सब्सिडी में आपको आउटसोर्सिंग के थ्रू लड़का को रखा गया है, एक नियम संशोधन करके रखा गया है NIT के तहत। BCCL में भी हुआ, ECL में भी हुआ, NCL में भी हुआ, इस कारण से हम लोग CCL में भी लड़ रहे हैं। आप भी चाहते हैं मतलब कि मेरा भी कुछ में हो जाए? उसमें हो जाए। मांग हमारी है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो बाहरी लोगों को रखा जा रहा है, तो यहाँ जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, उन लोगों को क्यों नहीं रखा जा रहा है, जबकि यहाँ हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, हम लोग यहाँ पे एक साल अपना समय दिए, यहाँ पे गोरब बैल जैसा खटाया गया, जो हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाना चाहिए था वो चीज़ नहीं सिखा के हम लोग को घास छिलवाया गया, नली साफ करवाया गया और फुटवा पर चढ़ाया गया, जो उसमें कि ऊपर नहीं चढ़ाना था हम लोग को नियम के तहत, सब चीज़ वो किए, गिरे मरे टूटे हाथ पैर उंगली सब टूटा है, क्योंकि सब हुआ है वो सब करते हुए एक लड़का अदर सब अति में वो एक लड़का डेथ भी कर गया। तो ऐसी तरह घटनाएं बहुत तरह की हुई। हम लोग को जो ट्रेनिंग में जो पैसे दिए जाते थे वो भी 3-3 महीना 4-4 महीना रुला कर दिया जाता था। उसके बाद मांग यही है कि हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो है हम लोग को संविदा पे रखा जाए, और नहीं तो आगे चल के ये आंदोलन उग्र होने वाली हो जाएगी, फिर इसकी जिम्मेवार CMD खुद होंगे। पहले भी हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि वहाँ जाओ सियाल गए, वहाँ से बोला गया कि नहीं आपके CMD साहब के पास इतना पावर है कि वो रख सकते हैं, यही इन लोग वहाँ यहाँ करवा रहा है। और अभी हम लोग 3 साल से यहाँ पे बीच बीच हम लोग धरना प्रदर्शन भी हुआ था, तो CMD साहब अपने लोगों को भेजते थे और आश्वासन देते थे कि हाँ होगा, कुछ दिन समय दो, करते करते ये सब टाइम खाते गए। आज जाके हम लोग निर्णय लिए कि नहीं अब आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। जब अदर BCCL में जब लेटर दिया जा रहा है इसी मांग को लेकर, जब वहाँ सब राजी हो गए तो आपको देने में क्या तकलीफ हो रही है? आपको छोटी मोटी कंपनियाँ तो नहीं है? तो यही मांग है कि हम लोग पे CMD साहब जल्द से जल्द का कुछ निर्णय लें, नहीं तो फिर कुछ भी आगे चल के होता है तो इसके जिम्मेवार CMD साहब ही होंगे बस। जैसा कि आपको पता है कि 1932 खतियान को लेकर ज़्यादा यहाँ पर उग्र आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो क्या आप उन लोगों का कहना था यही कि यहाँ का जॉब जो है स्थानीय लोगों को दिया जाए जिसका 1932 का खतियान है, ठीक है, तो आप लोग का है कि नहीं 1932 का खतियान? हाँ वो है यहाँ पर, स्थानीय है यहाँ, ऐसा यहाँ पर 80% लोग स्थानीय ही है, और भी लड़के जो हैं उनका स्थानीय तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत दिनों से इन लोग भी रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, 80% लोग यहाँ पर स्थानीय लोग ही हैं। हाँ, अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।